बदर करके फैला रखा है, क्या ही बोलूँ गाइज। ये देखो सारा सामान ऊपर से निकाला जा रहा है, अभी मैंने जो सीनरी है ना वो निकाल के नीचे। हे गाइज, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सबसे पहले आप सभी बड़ों को मेरा प्यार भरा नमस्ते, छोटों को मेरा ढेर सारा प्यार। मैं लक्ष्मी स्वागत करती हूँ फिर से अपने नए ब्लॉग में। आज का ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है, टाइम लगभग 12:30 बजने वाला है और आज का ब्लॉग ना काफ़ी ज़्यादा लेट हो रहा है। नाश्ता पानी हमारा सुबह ही हो चुका था और अभी मैंने नहाना धोना कर लिया है, आज मैंने सर धो रखा है। और गाइस सावन भी स्टार्ट हो गया है तो मैंने ना हरी और लाल चूड़ियाँ पहन ली हैं, ये देखिए दोनों हाथ में, काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रही हैं। और मौसम की बात करें तो कल रात ना यहाँ पे थोड़ा बहुत बारिश हुई थी लेकिन ना गर्मी काफ़ी ज़्यादा पड़ रही है, तो मौसम के तो मत पूछो हाल, बहुत ख़राब हाल है। ये है देखो, ये है गोल्डन कलर की और ये है रेड और ग्रीन कलर की, और ये वाली है रेड और ग्रीन कलर की। ये देखो अब ये सासुमा के हाथ में डालते हैं, फिर देखते हैं कैसी लगती है। और आप लोग भी ज़रूर बताना सावन की चूड़ियाँ कैसी। बाहर सारे कपड़े धूप में डाल रखे हैं क्योंकि धूप भी थोड़ा अच्छी सी आ गई है, तो सारे कपड़े ना सुखाने के लिए डाल दिए हैं, जो भी बदबू आ रही कपड़ों से वो हट जाएगी बिल्कुल अच्छे से। देखो सारे कपड़े डाल दिए और इधर पे मेरे फूल भी मस्त वाले हो रखे हैं। चलो एक बार दिखाते हैं बाहर का। फाइनली गाइस बाहर का मौसम भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो रहा है आजकल ना, सारी जगह ग्रीन ग्रीन दिख रहा है बिल्कुल, क्योंकि बारिश होने की वजह से ना काफ़ी ज़्यादा हरा भरा हो गया है चारों तरफ से। और इधर भी मैंने कपड़े सुखाने के लिए डाल रखे हैं, ये देखो कुछ चादर बेडशीट यहाँ भी डाल दी। और इधर पर ना खीरे के और लौकी और तुरई की काफ़ी बड़ी बड़ी बेलें हो चुकी हैं और यहाँ पर काफ़ी सुंदर सुंदर फूल लगे हुए हैं, वाइट और पिंक कलर के फूल ना काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। और वहाँ पे केले के फूल भी हो रहे हैं और गार्डन में ना काफ़ी बड़ी बड़ी घास हो गई है, ये भी निकालनी है मुझे। और चारों तरफ से तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा मौसम है आज, गर्मी और दिनों के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा कम है। और ये है हमारा प्यारा सा घर। चलिए गाइस, मैंने दाल तो सुबह ही उबाल दी थी और उबालने के बाद मैंने दाल बना भी दी है, और आज मैंने बनाई अपने घर की राजमा, ये देखिए राजमा की दाल। और इधर से ना पापड़ भी तल के रख दिए हैं और फटाफट से चावल बना लेते हैं और उसके बाद बनाऊंगी भांग की चटनी। चलो फटाफट से बना लेते हैं फिर मिलते हैं। चावल भी मैंने चढ़ा लिए हैं कुकर में और इधर दाल बन गई है, मैं सोचती हूँ क्यों ना सब्जी भी बना लूँ। और ये जो सारी सब्जी है ना ये पूरी हमारी गार्डन में हो रखी है और आजकल ना सब्जी के काफ़ी ज़्यादा रेट हो रखे हैं, और हमारे गार्डन में ना काफ़ी अच्छी अच्छी सब्जी लगी है। देखो शिमला मिर्च और टमाटर, भिंडी तो बहुत ज़्यादा हो रही है, और एक ना छोटा सा आज मुझे खीरा भी मिला अपने गार्डन में, ये देखो ऐसे कुछ। और छोटे छोटे ना बैंगन भी हो रखे हैं, देखिए गाइस ऐसे कुछ सब्जी हो रही है। सब्जी भी काट लेती हूँ क्योंकि सब्जी बनानी है, तो फिर मैं ना काफ़ी ज़्यादा लेट हो जाऊँगी, इससे अच्छा पहले काफ़ी लेट हो चुकी हूँ, 12 तो बज गए हैं और फटाफट से सब्जी काट लूँ। देखो सिंधियाँ मैंने उतार दी हैं नीचे और इनको ना मुझे अच्छे से साफ करना है, और एक मैंने साफ के यहाँ रख दी, कुछ साफ करके वहाँ पर रखी हुई हैं। और हमारे रूम का हाल कुछ ऐसा है। फाइनली गए भी ज़्यादा अभी बचा हुआ है, अभी है नेक्स्ट डे नेक्स्ट मॉर्निंग, और मैंने ब्लॉक इंडिया नहीं किया थी, और अभी ना फिर से वही काम शुरू करना है, आज एक दो दिन और बचे हैं हमारे पास, चलो फटाफट से करते हैं काम शुरू। और इस ब्लॉग को इतना ही रखेंगे, और आपको अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, और आपको कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट के जरिए मेरे